गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्त मित्र परिजनों और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी, आज मैं समय का सदुपयोग से संक्षेप में एक निबंध प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय का सदुपयोग, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम्स, भगवान माना गया है क्योंकि यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय का काम है निर्बाध गति से चलना और हमारा काम है समय के अनुसार अपने आप को ढालना, अर्थात समय का सदुपयोग करना। समय यदि नष्ट हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है, अतः उचित कदम उठाना ही समय का सदुपयोग है। और इसी में बुद्धिमानी है। हम अपने आप को भाग्य के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। समय के सदुपयोग की पहली शर्त है सही समय पर पूर्ण शक्ति से प्रयास करना। ऐसा करके हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं ही बन सकते हैं। यदि हम महापुरुषों की जीवनियां पढ़े तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे कि समय के नियम से जो बंध कर रहे वे ही महापुरुष बने और संपूर्ण जगत के पूजनीय बन गए। समय का सदुपयोग वह मूल मंत्र है जो हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। अतः हमें समय रहते समय की पहचान कर समय पर ही उचित अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक्स एवरीवन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, सो सेव एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। थैंक यू फ्रॉम टेक्नो हिर्षिकेश।